श्रीलंका में आतंकवादी विस्फोट से मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए सोमवार को बोधगया के महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भाग लिया। महाबोधि सोसाइटी से कैंडल मार्च निकाला गया, जो महाबोधि मंदिर पहुंचा। वहीं महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे विशेष प्रार्थना की गई। वहां विस्फोट में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर प्रार्थना की गई। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। आपको बता दें कि श्रीलंका में ईस्टर पर रविवार को हुए 3 चर्चों और लग्जरी होटल समेत 8 स्थानों पर हुए बम धमाकों में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 500 अंग घायल है। इस मौके पर श्रीलंका बौद्ध मठ के शिवली भंटे सहित इंटरफेथ फोरम की सेक्रेटरी एच खान के साथ साथ कई भंटे और स्कूली बच्चे मौजूद थे। ये एक्चुअली देखिए, आप सब जानते हैं जो कल श्रीलंका में बहुत बड़ा दुर्घटना हुई। श्रीलंका में कई क्रिश्चियन चर्च के ऊपर, कई होटल और सिविलियंस के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो ये आतंकवादी हमला हुआ था, इसीलिए आज बोधगया में हम लोग सभी सारे मोनास्ट्री के द्वारा और सभी बाकी जो सभी मोनास्ट्रीज और सभी संप्रदाय, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, हिंदू और मुस्लिम्स और बोधगया सिटीजन्स उस मंग्स जो विभिन्न देशों से बनते गण हैं और सिटीजन्स साधारण नागरिक हैं, सब मिलके हम लोग ये जो आतंकवादी हमला को हम लोग बहुत दिल से और निंदा करते हैं। और साथ ही साथ हम सब प्रार्थना करेंगे श्रीलंका में शांति बना रहे, और केवल ये श्रीलंका के कुछ इनोसेंट विक्टिम्स जो सिविलियंस के ऊपर नहीं है हमला, ये पूरा विश्व की मानवता के खिलाफ है, मानवता के अगेंस्ट ये अटैक है। इसीलिए हम लोग इसको निंदनीय तरीका से हम लोग बहुत निंदनीय करते हैं। और साथ ही साथ सबके जीवन में जो जिसका मौत हुआ था, इसके आत्मा का शांति, मन की शांति के लिए हम लोग आज प्रार्थना किए हैं। और साथ ही साथ और जहाँ भी आतंकवादी जो सोच रहे, आतंकवादी को कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इसलिए सामान्य आदमी के ऊपर हमला करते हैं। इसलिए अभी जो पूरा विश्व के जो शांति चाहते हैं, ये सब अभी एकत्रित होकर इस आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए और दुनिया में शांति लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये हमारा प्रार्थना है। सर, इस तरह के जब भी कोई अटैक होते हैं तो माइनॉरिटी पर पहला शक जाता है, इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? दो बात है, पहले तो ये अटैक अगर माइनॉरिटी में, बहुत ग्रुप हैं जिसमें जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं जी, अगर आपका इशारा कहें गलती से इस्लाम की तरफ तो मुस्लिम माइनॉरिटी खासी तौर पर इंडिया में, तो इसकी जो सबसे होलीस्ट कुरान है, जो खुदा का कमांड है 114 चैप्टर्स में, उसमें वन ऑफ द चैप्टर्स में मेंशन है कि तुमने अगर किसी एक इनोसेंट को कत्ल कर दिया, जान ले लिया, तो आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे पूरे इंसानियत के कातिल हो, और अगर एक को बचा दिया तो पूरे इंसानियत के आप बचाने वाले हो गए, सेवियर हो गए। तो सबसे पहली बात ये कि जिसका शक है उनके स्टेटमेंट में ही मशकूक है कि उन्होंने इस मज़हब को नहीं समझा जी, और जो ऐसा करता है उसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के खुद मानिए कि अमन और शांति के होते हैं, और इस्लाम का मानने वाला जिसे मुसलमान कहते हैं वो खुद बखुद पीस प्रमोटर होगा, पीस वायलेटर नहीं होगा जी। तो इसलिए इस पे शक जाना, हाँ अगर किसी को प्रूफ हो जाता है तो उसको न इस्लाम से, न क्रिश्चियनिटी से, न जैनिज्म से, न बुद्धिज्म से, न और किसी मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका दो ही ग्रुप है, एक क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल, सोशल एंटी सोशल, या दहशतगर्द और गैर दहशतगर्द, या अमन पसंद। तो उनका अमन पसंदी से अगर ताल्लुक नहीं है तो उनका कोई मज़हब नहीं है, उनका मज़हब सिर्फ बदमनी फैलाना, दहशतगर्दी फैलाना। और उनको जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, सब अमन पसंदी का दर्श देता है और उसको कंडेम करता है, और हम सारे लोग उसको कंडेम करते हैं। इसलिए इसके मुतालिक शक करना कि फलां मज़हब का होगा,
मजहब का नहीं है बल्कि उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप में रखो कि ये दहशतगर्द है, ये क्रिमिनल है, ये एंटी ह्यूमन काम करने वाला है, इसको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जितनी भी सज़ा इसको मिलनी चाहिए, चाहे वो शरई हो, कानूनी हो या दूसरे समाजी हो, हर तरह से उसकी मजम्मत होनी चाहिए। और हम सारे लोग, और मैं चूँकि सारे मजहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अजमत हुसैन खां मेरा नाम है, यहाँ जितने मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, सबका सेक्रेटरी मैं हूँ, इसलिए सारे मजहब की तरफ से मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इसको दुनिया में सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं कि श्रीलंका में ऐसा हो गया, जहाँ खड़े हुए यहाँ भी अटैक हुआ है जी 2013 में हुआ है, उसको भी किसी मजहब से कोई मतलब नहीं था। तो सर, ये जो कैंडल मार्च आज किया गया यहाँ पर, तो इसके जरिए से क्या दुनिया को पैगाम आप लोग देना चाहते हैं? ये कैंडल मार्च ये एक सिंबॉलिक है, जिस तरह से कबूतर को उड़ा करके हम अमन का पैगाम देते हैं दुनिया को एक पर के जरिए, ये कैंडल एक ऐसी रोशनी है, और इस जगह से हमने निकाला है जो प्लेस ऑफ सुप्रीम एनलाइटनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा है। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इरफान हासिल हुआ था इसी दरख्त के नीचे, और ये जगह अमन की है, अमन का पैगंबर हम हैं। यहाँ सारे मजाहिब के लोग, यहाँ हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इस जगह पर आप देखें कि मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, दूसरे हैं, किसी ने आपको कोई रोका नहीं, किसी तरह से आपसे कोई सवालात नहीं किए। इसका पैगाम ये है कि दुनिया के जितने लोग हैं, 5 मिलियन जो लिविंग बींग हैं, उसमें बनी अनु या ह्यूमन बींग एक सुपर मोस्ट है, और सुपर मोस्ट को अल्लाह ताला ने दो चीज़ें दी है, एथिक्स भी दी है, रिलीजन भी दिया है, और उसके लिए विजडम का इस्तेमाल करने को कहा है। इस विजडम का इस्तेमाल करके इंसानियत और सच्चाई, ये दो का फ़रोग करो, और इसके अलावा जो निगेटिव एटीट्यूड है, थॉट है, जो एक्शन होता है, उससे तुम बचो। और उसके लिए एक फार्मूला भी सारे मजहब में दिया हुआ है कि हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम सारे बनो इंसान के एक फर्द हैं, एक मेंबर हैं, ग्लोबल फैमिली के एक मेंबर हैं, हेंस वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू ईच अदर। और जब ये हम हैं, तब एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेशन चाहिए, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के वक्त पर काम आएंगे, तभी हो सकता है। तीसरा कंपोनेंट और इम्पॉर्टेंट है कि म्यूचुअल ट्रस्ट चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले ही कहा शक की बात, हम जैसे ही शक करेंगे तो कोई कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। और जब इतनी बात, तीन कंपोनेंट हमको मिल जाएंगे, तो रिस्पेक्ट टू ऑल, चाहे दुनिया के किसी मजहब, इवन के जिस मजहब की आपने बात किया, हज़रत सल्लम ने आखिरी खुतबे में जो 632 ईस्वी में अरफात के मैदान में उन्होंने दिया था, उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट ये था कि पे रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू दोज रिलीजन्स एंड रिलीजियस लीडर्स इंक्लूडिंग देयर स्क्रिप्चर्स ऑन इक्वल बेसिस टू विच यू डू नॉट बिलोंग। दूसरे मजाहिब मजहबी रहनुमाओं, उनकी किताबों की उतनी ही इज्जत करो जितने की तुम अपने की इज्जत करते हो। फिर अगर, चूँकि हम बने हुए इंसान हैं, एक दूसरे के भाई बहन, अगर इसके बावजूद भी डिफरेंस कहीं है, तो उनका लकुम दीन अकुम वले दीन, उनका फेथ, उनका विश्वास, उनका अकीदा उनके साथ, हमारा हमारे साथ, लेकिन इंसानियत के नाते हम एक दूसरे के भाई और बहन। और इस मज़हब में किसी तरह का, कहा गया कि जुल्म और ज्यादती ये सारा का सारा हराम है, किसी के साथ हम जुल्म नहीं कर सकते। अगर कलमा गो है और उसने अगर कोई जुल्म किया है तो उसके खिलाफ फैसला दिया जाएगा, और अगर कोई मजलूम है तो उसको हक में फैसला, खा वो किसी मजहब का हो, कहीं पर का हो।